हाय फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं एक मस्ट विजिटिंग डेस्टिनेशन जिसका नाम है चौकी रानी, आप समझ गए होंगे। और जयपुर का ट्रिप बिना चौकी रानी के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ पे आपको पूरा राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा और मैंने बहुत सुना है इस बारे में, और आज हम आए हैं मिश्का मैडम के साथ इसको देखने। और चलिए देखते हैं, फिर मिश्का मैम एंड में आपका रिव्यू देंगी कैसा लगा आपको चौकी रानी। चलिए देखते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय जयपुर ट्रिप वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे पहले दो वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने अल्बर्ट हॉल एंड दूसरे वीडियो में जंतर मंतर, सिटी पैलेस और हवा महल कवर किया था, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे दोनों वीडियो एक बाई एक करके देख सकते हैं। और अब समय था उस जगह का जो वेरी यूनिक है, और ऐसी जगह है अगर आप जयपुर ट्रिप के लिए गए हैं और आपने वो जगह नहीं देखी तो आपका जयपुर ट्रिप अधूरा माना जाएगा, और जिसका नाम है चौकी धानी। चौकी धानी राजस्थानी वर्ड है, और चौकी का मतलब है बहुत अच्छा, प्यारा, और धानी का मतलब है विलेज, एक छोटा विलेज, कस्बा बोल सकते हैं आप। तो बहुत प्यारा छोटा सा कस्बा, बहुत प्यारा छोटा सा विलेज, इसलिए इसको बोलते हैं चौकी धानी। चौकी धानी का ओपनिंग टाइम है 3 o'clock से 8 o'clock। जी हाँ, ये इवनिंग में ही ओपन होता है, मॉर्निंग में नहीं। तो जब भी आप इसको विजिटिंग का प्लान बनाएं, थोड़ा पेट खाली रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको भर पेट बहुत ज़बरदस्त खाना मिलेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो सुबह कुछ भी ना खाएं, और शाम को जब चौकी धानी विजिट करें तो पूरे पकवानों का, सब चीज़ों का पूरा आनंद उठाएं, जब भी आपको टेस्ट भरपूर मिलेगा। चौकीधारी में एंटर होते ही आपका स्वागत ढोल लगाड़ों से होगा, और काफ़ी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, एक एनर्जी भी आती है कि आप कोई अच्छी लोकेशन पे आए हैं। और ये इसका जो प्रमाइसिस है जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये है इसका टिकट प्रमाइसिस, टिकट विंडो बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप रेट कार्ड वगैरह देख सकते हैं, रिसोर्ट के लिए अलग है, थोड़ा कॉस्टली है, और नॉर्मल के लिए 800, जो भी कॉस्टली है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे पार्किंग जो है वो फ्री है, चाहे वो 4-wheeler हो या 2-wheeler, तो पार्किंग आप कर सकते हैं, पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्किंग है इनका। और टिकट लेने के बाद हम लोगों ने अंदर की तरफ रुक किया। टिकट लेने के बाद आपका स्क्रीनिंग किया जाता है, और टेम्परेचर नोट करने के बाद आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि फिर आपको जो भी लोग दिखाई देंगे, जो भी चीज़ें दिखाई देंगी, उससे आप पूरे पुराने ज़माने में चले जाएंगे, किस तरह से एक गांव विलेज हुआ करता था और उसको सजाया जाता था, सारी मिट्टी की चीज़ें, उस तरह की चीज़ें जो देखने में दिल को इतना सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं हम इस डिजिटल दौड़ में, रनिंग में, उस चीज़ों को छोड़ आए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें देख के, और इसीलिए मिश्का मैम खो गई, बस इधर उधर चलने लग गई आराम से, और बहुत मज़ा आ रहा था हम दोनों को यहाँ पे। आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए चौकी धानी अंदर से ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसे धानी जैसे बोलते हैं, धानी गाँव। आपको एकदम ऐसे फील होगा जैसे आप किसी गाँव में आ गए, वो भी बहुत सुंदर गाँव, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इतनी प्यारी लोकेशन का मैंने एक टाइम लैप्स बनाया इसका मैम का,
और आप देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये टाइम लैप्स कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं। आप भी इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ गए और फिर हमको मिला राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रिंक जो है राबड़ी। राबड़ी बहुत ही अच्छा है। इन मेहमानों के एंट्री कूपन पर भोजन का समय 5:30 का दिया गया है। सभी मेहमान भोजन के लिए पधारे। समय 5:30 का दिया गया है। राबड़ी गर्म है और मजेदार है, नमकीन है और मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था इस तरह की कुछ चीज़, देसी चीज़, और बहुत ही जबरदस्त है। पिए आप, काफ़ी हेल्दी है और इसके बेनिफिट जानिए गूगल से, यूट्यूब से। जबरदस्त चौकीदानी इतना फेमस प्लेस है जयपुर में क्योंकि यहाँ पे आपको हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा और ये एक कंप्लीट फैमिली पैकेज, फैमिली पिकनिक और टूर प्लान के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसका अब हम कंपैरिजन किसी रिसोर्ट से या किसी होटल से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी और यही सब चीज़ें इसको यूनिक प्लेस बनाती हैं। जयपुर में आपको इसकी जैसी जगह फुल ट्रिप प्लान के लिए कहीं और नहीं मिलेगी। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, चौकीदानी जब भी जाएं तो खाली पेट जाएं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं, जब आप वॉक करते जाएंगे उनको वन बाय वन लेते जाएं, कवर करते जाएं और लुफ्त उठाते जाएं। अगर आप भरे पेट जाएंगे तो इस सब चीज़ों का मज़ा नहीं आएगा और पहले पूरा वॉक करें, पूरा अच्छी तरह से चौकीदानी को एक्सप्लोर करें और उसके बाद जब एंड में आपके जाने का मूड करे तभी आप खाना खाएं क्योंकि खाना भी यहाँ पे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक और बहुत ही देसी खाना जो पुराने ज़माने में गांव में हुआ करता था उस तरह का है। तो काफ़ी भारी है खाना, एक तरह से आप बोल सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और काफ़ी अच्छा है। तो पहले इसको पूरा एक्सप्लोर करें। ये मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कठपुतली डांस है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है ये चीज़ें। आप इसका एंजॉय करें, पूरा लुफ्त उठाएं। चलते चलते हमको ये जादूगर मिले तो जादू दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन है स्नेक का, चारों तरफ स्नेक बने हुए हैं, उन पर ही आप सिटिंग करेंगे, एक तरह से चेयर भी हैं वो। और आप ऑडियंस देख सकते हैं कितने सारे लोग जमा हैं। हमारी मैडम भी यहाँ पर लुफ्त उठा रही हैं जादू का, और क्योंकि जादूगर इस तरह से ऑडियंस को एकदम अपने बातों में लगाए हुए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये जो चीज़ है जिसको बोलते हैं जैसलमेरी, यहाँ पे आपको बाजरे की हैंडमेड रोटी और चटनी और बाकी तो मिश्का बताएंगी कैसा लगा जाएगा। वहाँ पे एक दादी है जो कि अपने हाथों से ना बाजरे की रोटियाँ बना रही है और सबको बड़े प्यार से खिला रही है। आप एक बार यहाँ पे आइएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मजा आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स हम चल दिए दादी माँ के हाथों की बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी With lots of ghee and jaggery. और फ्रेंड जैसे ही आप इस रूम में, छोटे से रूम में एंटर होते हो, पूरा माहौल आपको अपने पुराने गांव की तरफ ले जाता है अगर आपका कोई गांव है। और मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई इनको देख के, किस तरह से पुराने ज़माने में लेडीजें इतना मेहनत करती थी, चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, और उस रोटी का जो चूल्हे की रोटी का स्वाद है आप खुद जानते होंगे, इतना यूनिक, इतना अच्छा रहता है कि वो एक फूड मेमोरी बन के आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है। इस तरह की फूड मेमोरी मेरी एकदम मतलब मुझे याद आ गया और मैं क्या बताऊँ इस जगह का। एकदम पुरानी जैसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी विलेज में आ गए हो राजस्थान के, और देखिए यहाँ पे ये लेडी खाना बना रही है, इससे ज्यादा बाजरे की रोटी वगैरह है। आगे देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा। बिल्कुल हाथ से बना रही है जैसे पुराने जमाने में लेडी बना रही थी।
यहाँ पे ये दादी माँ मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मैंने उनको बताया कि मैं आगरा के पास धौलपुर से आया हूँ। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ फिर भी मुझे मारवाड़ी इतना अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मैं समझ पूरा लेता हूँ, तो मैंने उनको अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया। और आप देख सकते हैं हाथों से ये बना रही हैं रोटियाँ, वो भी बाजरे की, और उसको सेक रही हैं चूल्हे पे। और इनका जो तवा है वो लोहे का नहीं है, मिट्टी का है। और मिट्टी का जब तवा होता है तो कितना टिपिकल, कितना मुश्किल होता है। कैसी लगी? देसी सच में दादी की ये चीज़ तारीफ के काबिल थी। और फिर हम आगे बढ़ गए नेक्स्ट मोमेंट्स की तरफ। चलेगी। और अगर आपने मिश्का मैम की थोड़ी देर पहले लाइन नहीं सुनी, उन्होंने बोला था लाइट नहीं जलती गैस टेम्पल में, और सडनली वहाँ पर लाइटिंग हो गई टेम्पल में। और उसके बाद तो मिश्का मैडम को भगवान के सामने नतमस्तक होना ही था, क्योंकि ऐसा लगा कि एकदम उनके बोलने से भगवान ने सुन लिया हो। और आप मिश्का का जायका जो उनका चैनल है, फूड चैनल है, अगर आपको नई नई डिशेज सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सीखना है, तो फ्री में आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे खाने के। आप वो देखिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए और वहाँ पर नई नई पकवान और इजी सीखिए। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है, इस तरह की यूनिक चीज़ें आपको चौकीदानी में ही मिलेगी। कुछ और आगे चलने पे आपको ये गेम टाइप से सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम है और आप उन्हें खेल सकते हैं, बट दे आर चार्जेबल, तो आपको बहुत ही नॉमिनल उनका प्राइस है, आपको 5 या 10 रुपीज में मिलेगा। और आप इसमें गिफ्ट भी जीत सकते हैं, जो कि एक ट्रिक है, लेकिन आप जीत सकते हैं। मैंने भी कुछ गेम्स ट्राई किए और कुछ मुझे विनिंग तो नहीं मिला, लेकिन बहुत मज़ा आया, तो आप भी इनको ट्राई करिए। नॉमिनल चार्जेज हैं इनके। मैंने ये बॉलिंग वाला देसी गेम सेक्शन ट्राई किया, यहाँ पर 1000 रुपये 2000 रुपये लूटते हैं। ये देसी ट्राई किया इसीलिए, कम से कम चीप रेट में हम वो वाले जॉब भी पूरे कर सकते हैं। और देखिए ये देखिए मार्केट है कला केंद्र, और यहाँ पर क्या है देखने के लिए? यहाँ पर सब लोगों की कलाएं हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और यहाँ पर बहुत सी हैंडीक्राफ्ट के आइटम, अगर आपको शॉपिंग के बहुत ज्यादा क्रेजी है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जूतियों से लेके दुपट्टा साड़ी सब कुछ आपको मिलेगा। और देखिए कितना मस्त है यहाँ, कुछ नहीं लेना तो आप घूमने आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और घूमने आ जाइए, कुछ मत कीजिए, बस देखिए विंडो शॉपिंग कर सकते हो आप। वो फ्री है, विंडो शॉपिंग फ्री। दुकानें बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ी इंटरेस्टिंग दुकान मुझे लगी। और यहाँ पे ये लोग राइस पे नेम लिखते हैं और पूरा गायत्री मंत्र भी लिखते हैं राइस पे। और इसमें 3-4 क्वालिटी है। इन्होंने हमको एक टास्क भी दिया है, आपको दिखाते हैं वो टास्क क्या है। टास्क ये इसको ओपन करना है, ओपन करके दिखाना है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खुलेगा। अब यही ओपन करके दिखाएगी। ये देवी देंगे तो अपन पर नहीं खुलेगा, इसका मतलब कुछ फायदा नहीं है। फ्रेंड्स, वैसे तो इनके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन हमने ये चूज किया है फैमिली ट्री, और इसमें हम लोग अपना नाम लिखेंगे, मेरा, मिश्का का, प्रतिमा और काव्या हमारी बेटी का। ये मुझे काफी अच्छा लगा बाकी चीजों में।
और ये हम घर पे रखेंगे। और दूसरा ये मैजिक बॉक्स भी अच्छा लग रहा है मुझे, और ये प्राइस फिक्स है, रेट कम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और देखते हैं आगे, लेकिन पहले ये वाला देखते हैं। और इसके साथ एक और चीज है, ये आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास देंगे प्यारा सा। वैसे तो आप ले सकते हैं बाजार में भी, ये स्टेशनरी पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, एंटीक है और ओके लग रहा है। चलिए एक बार ये देखिए, मैंने नाम लिख दिए कैपिटल में, और ये इसको लिखेंगे अभी। ये रेस्टोरेंट है लंदन में, क्या बात कर रहे हो, उसमें काम कर रहा था, पर कोरोना की वजह से आ गया। मैं भी लंदन में था लेकिन 2012 में। मैं तो अभी अभी लेटेस्ट जून में आया हूँ। अच्छा, तो आप क्यों थे वहाँ पे? यही काम कर रहा था मैं। तो वहाँ पे क्या ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, इन्होंने भेजा था मेरे को चौकी ढाणी का, ये रेस्टोरेंट उधर। ओहो, ये है कौन मतलब? वैसे वाशवानी करके है। फ्रेंड्स, ये जो शॉपकीपर भाई साहब हैं, आई वॉज रियली सरप्राइज वेन आई गेट टू नो दैट दे वर वर्किंग इन ए ब्रांच ऑफ चौकीदानी दैट इज लोकेटेड इन लंदन। यस, यू हर्ड मी राइट, ये ब्रांच लंदन में है चौकीदानी की, और ये लग्जरी ब्रांच है, कोई ऐसी वैसी ब्रांच नहीं है। और क्योंकि बिकॉज ये जो शॉपकीपर भाई साहब हैं, हिज वर्क इज सो यूनिक दैट चौकीदानी टीम सेंड हिम टू लंदन फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क एंड प्रमोशन। और जब मैंने पूछा कि इसका कोई ट्रेनिंग लिया जाता है, और इज देर एनी इंस्टीट्यूट वेयर सम पर्सन कैन लर्न दिस काइंड ऑफ स्किल्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए आपको एक गुरु चुनना पड़ेगा, उससे ही ये चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, यूनिक चीज़ थी, कि ऐसी भी चीज़ें हैं इंडिया में जिनका अभी तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और अगर आप ये सुन के शौक हुए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि रियली ये चीज़ सुनने में कितना अच्छा लगता है, कि अभी भी इस तरह के स्किल्स हैं जिनको केवल गुरु ही दे पाएंगे, कोई इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं है। और मेरा ये पूरा ट्री, फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया, जो कि एक यूनिक चीज़ है। आप भी बनाएं इस तरह को, बताएं मुझे कैसा लगा आपको। ग्रीटिंग कार्ड्स या इस तरह की चीज़ें बहुत सब लोग देते हैं, बट दिस इज़ सम काइंड ऑफ यूनिक थिंग यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर ऑन बर्थडे, एनिवर्सरी, एनी काइंड ऑफ स्पेशल ओकेजन। लीजिए, फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया हमारा। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं आपको ये फैमिली ट्री कैसा लगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही इवनिंग स्टार्ट होती है, डार्क होने लग जाता है एनवायरनमेंट, उसके बाद चौकीदानी में जो लाइटिंग होती है उसके क्या कहने, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जन्नत उतर आई है ज़मीन पे। और वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग होती है, और इस तरह से आर्किटेक्चर दिया है कि आपको ओल्ड विलेज का लुक भी आएगा, प्लस आपको मॉडर्न भी फील होगा। इस तरह आप देख सकते हैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, अद्भुत कॉम्बिनेशन। और इसीलिए मिश्का मैम बस इन लाइटन को देख रही थी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप वहाँ पर जाएंगे, और स्पेशली आप इवनिंग में जाएँ, जिससे इवनिंग और नाइट दोनों का लुफ्त उठा पाएँ। इसी कॉम्बिनेशन को चौकीदानी, अद्भुत इनक्रेडिबल चौकीदानी कहेंगे आपको। युद्ध पहले कैसे लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो सब आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे उसकी झांकियाँ बनी हुई हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप देख नहीं पा रहे हैं इस जगह की ब्यूटी, आपको हमारे फेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बाकी जगह केवल डार्क है, और मेन जगह जहाँ दिखाई देने का है वहीं पे लाइट है। चौकीदानी में इस सेक्शन में आपको पुरानी झांकियाँ देखने मिलेंगी, जहाँ पे पुरानी जो यादें हैं, पुराना इतिहास है, उसको लाइव करके, सजीव करके दिखाया गया है। जिस तरह से हल्दीघाटी का युद्ध हुआ करता था, वहाँ पर किस तरह से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उस समय में जो लोग थे उनकी क्या पोशाकें थी, किस तरह से उनके बाले, ढाल, कृपाल, तलवार, ये सब चीज़ें, किस तरह से वो लोकेशन हुआ करती थी, ये पूरा वहाँ पे दिखाया गया है। और जो रियल में काबिल तारीफ़ है, और इसी चीज़ को, इसी यूनिकनेस को चौकीदानी बोलते हैं, इसीलिए ये प्लेस इतना फेमस है। आप जब जाएंगे तभी इसको फील कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो में वो जो फील है, वो जो भावनाएँ उस टाइम पर आती हैं, वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जाएँ ज़रूर और बताएँ मुझे कैसा लगा आपको।
हल्दी घाटी के बाद ये है बालाजी टेम्पल, जिसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर से। ये इसका मेन गेट है और हम अंदर से दिखाने वाले हैं आपको। ओ फ्रेंड, ये है बालाजी टेम्पल और यहाँ पर मंत्र चल रहे हैं और इतना बढ़िया व्यू है यहाँ पर, आप देखिए, आपको मैं एकदम डॉली जूमना हूँ। ये इस तरह से कुछ बनाया गया है, यहाँ पर पानी था इस तरह से, लेकिन अभी निकाल दिया है मे बी कोरोना की वजह से, वरना ये प्लेस तो अमेजिंग है। फ्रेंड्स, वैसे मैंने तिरुपति बालाजी देखा नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता और उसके बारे में इतना सुना हुआ है, तो ये मंदिर भी सेम उसका कॉपी है, हालांकि रियल नहीं है बट उसका कॉपी है। तो मैं अंदर गया, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो बाहर से ही मैंने इसको दिखाया है, और अंदर का मूर्ति इतना सुंदर है कि मेरी जिज्ञासा रियल में जो तिरुपति बालाजी हैं उनको देखने की और भी बढ़ गई, और मैं ज़रूर जल्दी वहाँ जाऊँगा और आपको उसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा बना के। फ्रेंड्स, आप में से किसी ने अगर तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं तो मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसा है वो मंदिर। हालांकि मैंने सुना है कि वहां पे बहुत ज़्यादा लोग चढ़ावा करते हैं, बहुत ज़्यादा दान करते हैं, और वहां पे एक रूम है जिसमें पैसे गिनने की मशीन भी लगी हुई है, और मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मनी कलेक्शन है, दान का कलेक्शन है, वो तिरुपति बालाजी से आता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या ये बात सच है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं साउथ में तिरुपति बालाजी के पास जो मैं देख सकने जा सकता हूँ फैमिली के साथ, तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जब मंदिर गए तो प्रसाद तो मिलना ही था, आप भी जाएँ और प्रसाद सबके साथ शेयर करें। और फिर आगे चलने के बाद हमको ये वाला सेक्शन दिखा जो है जौहर का सेक्शन। इसमें पुराने ज़माने में किस तरह औरतें जौहर करती थीं, क्योंकि जब मुग़ल काल था तो उस टाइम पे हिंदुओं पे आक्रमण किया करते थे मुग़ल लोग, और कितनी लोगों ने जौहर किया, आपने कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। तो ये वो सेक्शन है, यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से जौहर किया करती थी, लाखों औरतें रानियाँ एक साथ आग में फूट पड़ती थी बिना परवाह किए। कुछ और आगे चलने के बाद ये ब्यूटीफुल सा गेट है, और उसके बाद आपको पूरे इंडिया का कल्चर देखने मिलेगा, केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, हर कल्चर का एक एक हाउस बनाया गया है, और उस तरह से उसमें पूरा उस कल्चर को दिखाने का कोशिश किया गया है। जिस तरह से ये वाला हाउस है राजस्थानी, किस तरह से राजस्थानी औरतें पहले चक्की चलाती थी गेहूँ के लिए, और कुछ और आगे चलने के बाद ये इस तरह का दिखेगा क्रिश्चियन लोगों का। तो आप भी देखते जाइए, मज़े करते जाइए, और भूख बढ़ती जाएगी, और क्योंकि एंड में खाना खाना है जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इसलिए कीप ट्रैवलिंग, कीप योर एनर्जी बर्न। फ्रेंड्स, अगर आपने चर्च नहीं देखा है तो देख लीजिए, छोटा सा चर्च है, प्यारा सा डमी। हमने अभी कभी नहीं गए चर्च में, एक दो बार मैं गया हूँ लेकिन शायद मिसका नहीं गई है, तो आप देख सकते हैं गोवा का चर्च है। गोवा का चर्च, ये फादर है जिनको बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह खुशबू और अतर के शौकीन हैं तो ये शौक भी आप पूरा कर सकते हैं चौकीदानी का। We'll be right back.
करने के लिए और ऑलमोस्ट 2.5 आवर 3 आवर से हम घूम रहे हैं और फिर भी ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आप सोच सकते हैं आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा मिनिमम 4 to 5 आवर्स और अब खाना खाने चलते हैं, लेट हो जाएगा हमें और हम सिटी में हमारा होटल बुक है तो इसके लिए जल्दी खाना खाना पड़ेगा। चलिए आइए खाना खाते हैं। हमको घूमते हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो चुके थे और फाइनली एंड में वो टाइम आ गया जिसके लिए आप 800 रुपये देते हैं, इतना कॉस्टली टिकट परचेज करते हैं खाने का टाइम, और खाना भी बहुत ही अद्भुत। हम अब मेनली डिनर खाने पे आ चुके हैं और ये देखिए हमारी थालियाँ और धीरे धीरे यहाँ पे आइटम आते जाएंगे और यहाँ पे जो कैंप फायर हो रहा है एकदम बहुत ही मज़ा आ रहा है। सर्दी है और कैंप फायर, उसके साथ खाने का मज़ा दुगना हुआ। चौकीधानी में खाना सर्व करने वाला स्टाफ इतना फ्रेंडली है और इतना मजाकिया है कि वो खाने का लुफ्त दो गुना कर देता है। इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं, प्यारी बातें करते हैं कि आपको और भी मजा आता है खाने में। दीजी खाना ध्यान दे फ्रेंड्स ये थाली लग चुकी है, खाना जम चुका है और मैदान में हम कूद चुके हैं खाने के लिए। जबरदस्त सरसों की सब्जी गट्टे की सब्जी, दाल, ये पता नहीं क्या क्या, मक्खन, भाई सारी चीजें हो गई कुछ बचा ये मक्खन। और फ्रेंड्स फिर खाना खाने के बाद आप जानते हैं रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है और फिर हम लौट चले अपने होटल की ओर। और जयपुर का नाइट ब्यूटी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, ये है बिरला मंदिर और नाइट में भी जयपुर उतना ही ब्यूटीफुल दिखता है जितना दिन में, लेकिन कुछ और भी चीज़ें कल आपको दिखानी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यादें, कुछ अच्छे मोमेंट्स लेके फिर मैं आऊँगा आपके साथ। टिल देन बाय।